नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। पूर्वी चंपारण जिले को शराब मुक्त जिला बनाने के प्रयास में लगे डीएम और एसपी। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले के डीएम शीर्षत कपिल अशोक एवं एसपी डॉक्टर कुमार आशीष रात्रि में शहर सहित जिले के कई थाना क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करने निकल पड़े। वहीं डीएम और एसपी ने पूर्ण शराबबंदी को लेकर छतौनी बस स्टैंड के दर्जनों ऐसे मांस मछली अंडे की दुकान है वहां खुद से तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद साफ साफ दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया गया कि शराब बेचते या शराब पीते एवं शराब पिलाते हुए पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा बस स्टैंड में जो बसें खड़ी थी उन बसों के अंदर भी तलाशी ली गई और बस में यात्रियों से भी पूछताछ की गई। हालांकि डीएम एवं एसपी की गाड़ी जब बस स्टैंड में पहुंची तभी हड़कंप मच गया। वहीं डीएम और एसपी ने बस स्टैंड में उपस्थित महिला यात्रियों से हालचाल जानते हुए और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जल्द ही स्थानीय थाना को सूचना देने की अपील की। वहीं मोतिहारी डीएम और एसपी ने विधि व्यवस्था एवं शराबबंदी का सख्ती से पालन कराने के लिए छतौनी बस स्टैंड एवं मांस मच्छी अंडे कई दुकान सहित सड़क किनारे जो भी ढाबा रेस्टोरेंट है उन सभी की जाँच की। वहीं जिले में विधि व्यवस्था एवं अपराध पर लगाम लगाने को लेकर छतौनी चिरैया ढाका कोड़ासन थाना के सभी गश्ती टीम का जायजा लिया गया। उसके अलावा रास्ते में रोको टोको अभियान चलाकर दर्जनों वाहन की जांच की गई। डीएम एसपी ने गश्ती टीम को सक्रिय करते हुए संदिग्ध लोगों एवं वाहनों की जाँच कर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं जिले की सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधि व्यवस्था को लेकर उपस्थित थानों के गश्ती दलों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया। डीएम एसपी ने सभी थाना पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया कि गश्ती वाहन जांच शराबबंदी में लापरवाही करने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के निरीक्षण से पुलिस महकमा में हड़कंप मचा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री और पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने रात्रि में विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण किया। ये निरीक्षण मुख्यतः शराबबंदी और पूर्ण नशा मुक्ति अभियान को पूर्णतः सफल बनाने के लिए वाहनों में आवाजाही के समय अगर अपराधियों का मूवमेंट हो रहा है, वाहन जांच और क्या विधि व्यवस्था की स्थिति है, गश्ती दल रोड पर है कि नहीं, किसी आपराधिक घटना के बाद हमारा रिस्पॉन्स कैसा रहता है, इन सभी मुद्दों को लेकर के हम भी निकले थे और हमने अनुरोध किया था डीएम साहब भी हमारे साथ चले और हम लोगों ने विभिन्न जगहों पर यहाँ से लेके हम लोग छतौनी उसके बाद फिर चिरैया ढाका घोड़ासहन नेपाल बॉर्डर तक के इलाकों में गए। वहाँ पर इस तरह की हम लोगों ने जांच करी। क्या पाए कुछ वहाँ पर, क्या दूसरा भी देख लिया वहाँ के अधिकारियों को? देखिए कई जगहों पर हम लोगों ने खुद भी वाहनों की जांच करी, बस में घुसे हम लोगों ने जांच किया, छोटे नुक्कड़ दुकान जिसमें कि गांजा बीड़ी इन सब की जो है अवैध सामानों की बिक्री हो सकती थी उनकी भी हम लोगों ने जांच करवाई है। इसके अलावा मौके पर गश्ती दल मौजूद पाए गए, उनको भी विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि इन सभी बिंदुओं पर विशेष रूप से सजग होकर के आप लोग कार्रवाई करें और किसी भी सूरत में आपराधिक घटनाएं ना हो पाएं और उस पर रिस्पॉन्स हमारा बहुत अच्छा रहे, इन्हीं सब बातों का निर्देश दिया गया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।